हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हो टैप फ्यूजन। दोस्तों, पीसी में कभी कभार ऐसा एक प्रॉब्लम आता है, जब भी हम लोग ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे नेट सर्फिंग करते हैं या कुछ भी हम लोग टास्क परफॉर्म करते हैं हमारे पीसी में, तो एक एरर आता है, मेमोरी रनिंग आउट, योर पीसी इज़ रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। और ऐसा एक एरर आने के बाद हमारे जो भी एप्स करंट रनिंग ऐप्स है उसे वो क्लोज कर देता है। और फिर हम लोग जब भी टास्क मैनेजर में चेक करते हैं पीसी परफॉर्मेंस में, तो हमारा जो रैम है, रैम का जो यूजेज है वो हाई होता है। और जब जब भी कि हम लोग ज़्यादा ऐप्स यूज़ भी नहीं कर रहे होंगे, तभी भी हमारा जो रैम का स्टेटस होता है वो हाई यूज़ पे होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये प्रॉब्लम को बेसिकली मेमोरी लीक कहते हैं। ये प्रॉब्लम को बेसिकली मेमोरी लीक कहा जाता है। तो मेमोरी लीक के कारण हमारा जो रैम जो होता है, रैम का एलोकेशन ज़्यादा हो जाता है, तो इसी कारण ये एक प्रॉब्लम आता है। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। दोस्तों, आपको अभी स्टार्ट मेनू में जाना है और रजिस्ट्री एडिटर पे टाइप करके आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो चुका है। और आपको यहाँ पर एच की लोकल मशीन में क्लिक करना है और फिर आपको सिस्टम में क्लिक करना है। सिस्टम के अंदर आपको कंट्रोल सेट 001 पे क्लिक करना है और सर्विसेज में क्लिक करना है। और सर्विसेज के अंदर आपको NDU पे जाना है, NDU में क्लिक करना है। आपको NDU में जाना है और NDU में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट का एक फाइल है, ऑप्शन है, स्टार्ट का जो ऑप्शन है उस पर राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई पे क्लिक करना है। और यहाँ पर जो वैल्यू देख सकते हो आप, वैल्यू डेटा, इसे 2 की जगह 4 करना है। दोस्तों, वैल्यू चेंज करने के बाद हमें एंटर ओके करना है। और ओके करने के बाद हमारा जो PC लैपटॉप है उसे रिस्टार्ट करना है और फिर यूज़ करना है। दोस्तों, अगर आपका इस चीज़ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और नहीं भी होता है तो भी कमेंट करिए। और आपको वो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।